भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम उत्सव का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन, जो कि इस बार 3 अगस्त को कई शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर श्रावणी पूर्णिमा के साथ महीने का श्रावण नक्षत्र भी पड़ रहा है, ऐसे में रक्षाबंधन पर्व की शुभता और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि श्रावणी नक्षत्र का संयोग पूरे दिन रहेगा। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और दीर्घायु आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। आपको बताते चलें कि रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 वर्ष बाद आया है। साथ ही इस साल भद्रा और ग्रहण का साया भी रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य शनि के समसप्तक योग, सोमवती पूर्णिमा, मकर का चंद्रमा श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और प्रीति योग बन रहा है। इससे पहले ये संयोग साल 1991 में बना था। इस संयोग को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। रक्षाबंधन से पहले 2 अगस्त को रात्रि 8:43 से 3 अगस्त को प्रातः 9:28 तक भद्रा रहेगी। इसके साथ ही शाम 7:49 से दीर्घायु कारक आयुष्मान योग भी लग रहा है। अब चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन सोमवार अगस्त 3, 2020 को है। रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय 9:30 से सायं 9:14 तक। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त 1:49 से 4:29 तक। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त 4:10 से 9:14 तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ की अंगुली पर बांध दिया था। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे। और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसी मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो निरंतर आज भी जारी है। आप सभी को पवित्र बंधन रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।